Good morning dear students, how are you all? I hope you all are fine. Now it's time for your environment class. Okay, so in the previous class we had completed worksheet 2. हमने worksheet 2 तक complete कर लिया है. Okay, I hope you also completed with me. Okay, now today we will start worksheet 3. So all of you take your textbook, previous textbook, page number 53, worksheet 3. Write one or two sentences on how these animals are useful to us. Now what we have to do here we have to write one or two sentences. हमें कोई भी एक या दो sentence लिखना है कि कैसे ये animals हमारे लिए useful है, उपयोगी है. Okay, so we will write, so I am going to write one by one sentence, you also write in your textbook. Okay, so take pencil. Now first picture is, which animal is this? फर्स्ट पिक्चर में जो कौन सा एनिमल है, दिस इज काउ. ये क्या है? काउ है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द यूजफुल थिंग्स ऑफ काउ. अब काउ जो है हमारे लिए कैसे उपयोगी है वो सेंटेंस हमें यहाँ लिखना है. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट सेंटेंस. नाउ यू ऑल्सो राइट. सो पहले ये बताओ, काउ से हमें क्या मिलता है? यस, काउ गिव अस मिल्क. काउ हमें क्या देती है? दूध देती है. सो वी विल राइट दिस इन सेंटेंस. सो एलो फी राइट सी डब्ल्यू ओ काउ, जी आई वी ई गिव, यू एस अस, एम आई एल के मिल्क. काउ गिव अस मिल्क. नाउ सेकेंड सेंटेंस, काउ सी ओ डब्ल्यू काउ, डी यू एन जी डंग, IS is, USCD used, ASS, MANURE manure, WHICH which, IS is, HELP, FUL, helpful, FOR, for, THE, GROW, TH, growth, OF, of, PLANTS, plants. So, यहाँ सेंटेंस में क्या कहा गया है? एक सेंटेंस में हमने देख लिया कि काउ हमें क्या देता है? मिल्क देता है. और सेकेंड सेंटेंस में काउ डंग इज यूज एज मैन्यूर विच इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. काउ डंग जो है ना, काउ का जो गोबर होता है वो भी किस में काम आता है? प्लांट्स की ग्रोथ में. उन्हें हम खाद की तरह यूज करते हैं जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है. ओके, सो दीज टू सेंटेंस आर फॉर काउ.